हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SB कॉमेडी ब्लॉग। तो आज मैं हम लोग का गांव एक विलेज फार्मर से आप लोगों से इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मुलाकात कराऊंगा। वो मंथली में कितना पैसा कमाते हैं और क्या क्या चार्ज किए हैं अपना खेत में। तो मैं आज आप सबों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा चाची भाई लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं और क्या उसमें प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत होता है, क्या घाटा है, क्या नहीं। तो ये वीडियो में आप सबों को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। तो चलो अभी डायरेक्ट अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा वहाँ पे। तो चलो वीडियो में बने रहो। तो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ बागान। आप सब देख सकते हैं इसमें क्या क्या रोपे हैं। बिला टोमाटो है, फिर इधर मूला है, देख सकते हैं। थोड़ा मैं नीचे करके दिखाऊँगा, आप सबों को अच्छा दिखने लगेगा, देख सकते हैं। चलो अभी दो शब्द अभी ये जो बगान का ओनर मालिक से भी सुनेंगे इसमें क्या दिक्कत होता है, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं, जो और ये कौन सा वैरायटी का है। तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। आप सब देख सकते हैं ये बगान का ओनर है, मालिक है। तो अभी पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें कितना बेनिफिट होता है और इसमें क्या तकलीफ है और इसमें कौन कौन सा जब इसमें रोपते हैं तो क्या क्या देना पड़ता है। तो अभी दो शब्द सुनेंगे, मैं अभी पूछूंगा। आपका नाम? शत्रुघ्न लग रहा है। गांव ऑटो मुंडा बगान का ओनर का मालिक है शत्रुघ्न। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सा वैरायटी का टोमाटो और क्या क्या रोपे हैं, थोड़ा बता दो। कैसा लैंग्वेज में भी? बिलाती है, दुर्गा का है और ये जो झुड़ंगा बोलते हैं हम लोग का भाषा में, तो झुड़ंगा तो वो है, वो भी दुर्गा है, एक ही वैरायटी है। तो टोमाटो और झुड़ंगा वो एक ही वैरायटी का है, दुर्गा वैरायटी का। और इसमें मूला भी जो है, जो मूला भी वो वही दुर्गा है, एक ही वैरायटी का है, एक ही वैरायटी का रोपे हैं। तो कितना खर्चा हुआ ये सब में खरीदने? अभी तक तो मेरा 3000 लगभग खर्चा हो चुका है और बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं आता है। वो ये सामने में हम लोग का क्या है ना, बढ़ा उड़ होता है, खा जाता है, बेनिफिट बहुत कम दिया। तो आप लोग देखे मेरे डियर फ्रेंड्स कि इसमें 3000 खर्चा हुआ है और हालांकि हम लोग का ये जंगल भी पास में ही है, तो जंगली सुअर बोलते हैं उसको, तो आके थोड़ा बर्बाद कर देते हैं, तो हम लोग को वो डिफ़िकल्ट होता है बचाने के लिए। तो आप सब देखे तो और भी पूछना चाहेंगे कि इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना दिन में जब ये बड़ा हो जाता है, जब रोपते हैं तो बिलाती को कितना महीना लगता है बड़ा होने के लिए? 3 महीना लगता है। 3 महीना लगता है, फिर उसमें फल कितना दिन में दे देता है? 3 महीना में निकल जाता है, 3 महीना में बिलाती और जो वैरायटी जो दे रहे हैं 3 महीना में सब निकल जाता है। लेकिन हम लोग का जो बेनिफिट पाने का उसमें जो हम लोग का बारहा जो बोलते हैं हम लोग का जंगल में वो आता है, रात को खा जाता है, तो बेनिफिट बहुत कम मिलता है। कम से कम यहाँ अभी हम लोग का 3000 रुपया अभी तक खर्चा हुआ है बिहन में, और सार दे करके और पानी चपा के पानी का सबसे अभी 3000 रुपये तक खर्चा हुआ है और तो बहुत है। तो वो ठीक टाइम में खा जाता है, आता है रो। तो ये हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो ये बगान का ओनर बोल रहे हैं कि 3000 रुपया खर्चा हो गया है और जब बिलाती हो जाता है 3 महीने के बाद पक जाता है तो हम लोग का जो जंगली सुअर है बारहा बोलते हैं वो आके खा जाते हैं, तो बेनिफिट्स कहाँ से होगा? तो उसके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए और मैं सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाची भाई बहन लोग को कुछ दो बोल के कि ऐसे जो हम लोग का नुकसान हो रहा है वो सबको कुछ मिलना चाहिए, होना चाहिए, हम लोग से यही रिक्वेस्ट है। तो चलो अभी और दो सब सुनेंगे। इसमें टमाटो है, फिर मूला भी है ना, मूला तो वो कितना दिन में बड़ा हो जाता है? मूला 2 महीने में बड़ा हो जाता है ना, तो आप लोग देखें। और इसमें आप कितना हफ्ता में पानी सब चपाते हैं? एक हफ्ता में एक बार या दो बार? एक बार पानी चपाना पड़ता है। अभी सीजन है तो एक हफ्ता में देते हैं, नहीं तो डेढ़ हफ्ता, और धूप का समय आ जाएगा तो 3 दिन में 4 दिन में देते हैं। तो इसमें आप अभी तो मैं देख रहा हूँ टोमाटो है, मूला है और क्या रोपे हैं और क्या है? झुड़ंगा है। तो और भी कुछ चास करते हैं? और तो कुछ नहीं, सीजन इतनी जगह है और इतने से तो हम तो छोटा सा ही जगह है। तो
आपका नाम क्या बोले? शत्रुघ्न लकड़ा, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, ब्लॉक कुतरा। तो आप लोग देखे, इंट्रोडक्शन कराए और चासी करके ही हम लोग अपना लाइफ गुजारा वसारा करते हैं, जो भी होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो पहले का सीजन में हम लोग चास बस करके ही अपना घर परिवार चलाते हैं, कितना हार्ड है। लाइफ इज नॉट ईजी फॉर लिविंग, उतना भी क्या बोलूँ, ईजी नहीं है, बहुत लोग के लिए डिफिकल्ट है। और कितना मेहनत करके ही अपना परिवार चलाते हैं। तो अभी चलो, मैं डियर फ्रेंड्स अभी आप सबों को बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगा बागान में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। जो तो वीडियो में बने रहो। सब देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये टोमेटो है और दुर्गा वैरायटी का है। अभी हालांकि इसमें देख सकते हैं, मैं आप सबों को लाइव प्रूफ करके दिखाना चाहूँगा, ये अभी हो रहा है और ये अभी दिसंबर जनवरी के महीने में ये सब पक जाएगा, देख सकते हैं। अभी हालांकि ये छोटा छोटा ही है, अभी बुनना ये स्टार्ट हो गया है और अभी तक नहीं पका है, देख सकते हैं। छोटा सा ही है जगह टू, और इधर टोमाटो है। तो ये मूला है, देख सकते हैं साग, ये लोकल लैंग्वेज में हीड़ो बोलते हैं, उसमें ही लगाए हैं, देख सकते हैं। इसको भी टाइम लगेगा होने के लिए। और इधर देख सकते हैं टोमाटो है, ये भी अभी छोटा छोटा ही है, देख सकते हैं। तो मैं डियर फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं, ये जो टोमाटो है ना, जो हम रात में जंगली सुअर आके हम लोग का इसको बर्बाद कर देते हैं, जब हम लोग का मेहनत करके कितना हम लोग बढ़ाते हैं और जंगली सुअर आके बर्बाद कर देगा, तो हम लोग का तो लॉस ही होगा, बेनिफिट। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चासी भाई बहन लोग को जितना भी हो सके हेल्प दिया जाए, जैसे कि रात को जंगली सुअर आके ना खाए, जो भी सुविधा बन पर है मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं ये अभी पक्का भी नहीं हुआ है और जंगली सुअर आके खा के इसको बर्बाद कर दे रहा है, हम लोग का मेहनत बेकार हो जा रहा है, देख सकते हैं विथ लाइव प्रूफ। तो आप लोग देखे मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबों को स्टेप बाय स्टेप बताया दिखाया विथ लाइव प्रूफ। तो अभी दो शब्द बगान का ओनर को पूछेंगे कि इसमें बेनिफिट कितना होता है लास्ट में। तो फ़ायदा इसमें जब आप खरीदे पहले तो 3000 सीड्स का सब कुछ का ऑल टोटल खर्चा हुआ, तो बेनिफिट कितना होता है थोड़ा बता दो, बेनिफिट कितना होता है। और जो भी चास करने वाले हैं तो आप लोग भी विथ जान लो कि इसमें क्या क्या होता है और कितना खर्चा कितना बेनिफिट, फिर उसके बाद चास करना। तो दो शब्द बेनिफिट कितना होता है। जो हम लोग को तो खर्चा तो बहुत होता है, अभी तक 3000 खर्चा हुआ है, तो कम से कम हम लोग का खर्चा होता है 5000 रुपया तक खर्चा हो जाता है। लास्ट में हम लोग को जितना बेनिफिट मिलने का, वो जो स्वर जो बोलते हैं हम लोग का जंगली जो है वो खा जाता है, तो बेनिफिट हम लोग ज़्यादा पाने नहीं सकते हैं, फिर भी हम लोग का परिवार तो चलते ही रहता है इसी चासी में। और कम से कम फिर भी हम लोग का 5000 खर्चा होता है, फिर भी हम लोग का 10-20000 रुपया आना चाहिए, वो खा जाता है। तो ऐसा कुछ आ जाता है 10000 रुपया तक। तो आप लोग देखे मैं डियर फ्रेंड, इसमें टोटल खर्चा होता है 5000 रुपया, और इसमें भी बहुत ही मुश्किल से 10000 रुपया तक इसमें आ जाता है, लेकिन वो बेनिफिट 10000 पूरा नहीं आता, 10000 आता है इसमें टोटल का, और इसमें फ़ायदा होता है 5000। तो आप लोग भी अगर चास करना चाहते हैं तो जंगली सुअर से अगर बचेंगे तो और भी थोड़ा अच्छा बेनिफिट हो पाता, लेकिन हम लोग इसमें जंगल भी पास में है और थोड़ा जंगली सुअर सब भी इसमें नष्ट कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो मेरे वीडियो में आप लोग को देखने मिला पूरा स्टेप बाय स्टेप कितना मुश्किल है और अपना परिवार को चास बस करके ही गुजर बसर करते हैं। तो मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबों को यही बोलना चाहूँगा, आप लोग पूरा ही देखें, स्टेप बाय स्टेप जाने। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं डियर फ्रेंड्स, आप सबों को तहे दिल से थैंक यू मेरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आप सबों का फैमिली मेम्बर्स सुस्वस्थ रहे। चलो मेरे डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
आप सब हमको जय हिंद।